आज जोरदार नारा लगाना है, बुड़ोल पेंता, बुड़ोल पेंता, मैं दंत सुरीना। आज हमारा दंतेवाड़ा में काटे कल्याण से लेके बारसूल सभी समाज का बेटा कुआ, शाम को हमारा आदिवासी लोग साथ मिलने का विचार हमारा मुख्यमंत्री करता। हमारा मुख्यमंत्री ये पहला मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोग कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री देखा है, भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह तो 15 साल हम लोग देखे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी जैसा मुख्यमंत्री बना सबसे पहला काम लोंडीगुड़ा का जमीन राहुल गांधी के लाके आदिवासी का आपस करने वाला पहला मुख्यमंत्री है, इसलिए जोरदार ताली मार रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद दीपक बैज जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक देवती कर्मा जी, अभी हमारे आदिवासी समाज के सुरेश कर्मा जी मांझी, ये तमाम आदिवासी नेता आप लोग सब लोग बैठे, इनके लिए भी जोरदार ताली मारा के स्वागत करना है। हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है, ये हमारा आदिवासी बीस का नहीं है, ये आदिवासी से ज्यादा आदिवासी की सोचने वाला पहला मुख्यमंत्री होगा। इसलिए मैं बोलता हूं छत्तीसगढ़ राजधानी में आदिवासी नृत्य करने वाले हिंदुस्तान के सब लोग आए, विदेश से भी सब लोग आकर 2019 में 2021 में आदिवासी नृत्य राजधानी में करने वाला पहला मुख्यमंत्री। आज हमारा सरकार नहीं थी, कितना लोगों को गोली मारते थे या कभी एयरस्पेक्ट था साल के गुड़ा, हमारा सुकमा जिला के ताड़ बैठला 300 आदिवासी लोगों का घर जला, 300 2010-11 में। आज हमारे सरकार आने एक बात वो ताड़ बैठला में रहने वाला लोगों को रमन सिंह सरकार केदार कश्यप का सरकार फूटी कोड़ी नहीं दिया, फूटी कोड़ी। आज पहला बार वो आदिवासी लोग को 2-2 लाख रुपए दिए, 2-2 लाख। हमारा एराबोर में नरसंघर्ष हुआ था, मैं सबसे ज्यादा नरसंघर्ष को जलने वाला आदमी हूं, वो नरसंघर्ष में वहां भी झोपड़ी जला था, आदमी लोगों को मार दिया गया था, उसको भी 4-4 लाख रुपए दिए, 4-4 लाख। आज साल के गुड़ा वाले लोगों को भी मिलेगा, हमारा मुख्यमंत्री उसका मंथन कर रहा है। आदिवासी लोग निर्दोष लोगों को जेल भेजे थे, 3.5 साल में 1200 लोगों को छोड़े, 1200 लोग। हमारा आदिवासी मुर्गा बाजार नहीं जाते थे, बाजार नहीं जाते थे, सगा सही रीति रिवाज में शादी नहीं कर पाते थे, पुलिस थाना में जाने से आदिवासी लोगों को पुलिस मारता था, जंगल में जाने से दादा लोग मारते थे, दोनों तरफ आदिवासी मर जाओ। अभी थाना में जा रहे कि नहीं जा रहे, मुर्गा लड़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, ये कोई अगर किया है
ये मुख्यमंत्री गोपेद बघेल ने किया है। आज हमारा आदिवासी लोगों को देवगुड़ी हर समय दसरा होता था, दसरा हमारा बड़ा त्योहार है, दसरा ये अर्जुन मांझी थे, हर समय रमन सिंह उदारी में चला जाता उदारी। ये पहला बार गोपेद बघेल आने के बाद उदारी खत्म हो गए। इनको साल में 26,000 रुपया मिलता है, वो पगड़ी मिलता है, वो जैकेट मिलता है। हे मांझी लोगों को, आज तुम्हारा गांव का पुजारी, गांव का गायता, गांव का अटपरिया, उमरी फूकने वाला मारा, सब लोगों को मिलेगा 7,000 रुपया, 7,000 किसी भी वर्ग का हो उनको सबको मिलेगा। भूमिहीन किसान उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन तेंदू पत्ता का रेट रमन सिंह 15 साल में 2500 रुपया। अगर तेंदू पत्ता का अगर पैसा नहीं देना है, जूता बांटता था जूता, 10 नंबर वाला को 20 नंबर, 12 नंबर वाला को 13 नंबर, नए पैर को लगना है, नए पैर को लगना है। रमन सिंह आप लोग आदिवासी लोगों को टिफिन बांटता था, टिफिन जूता, टिफिन मोबाइल, ये कोई काम का है क्या? एक बार गाय बांटा साहब, मरने वाला, एक भी गाय नहीं बचा। तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री ने आज पहला बार, मैं बोलता हूं, ये मंदिर मस्जिद तो किया ही है, रोड तो बनाई है। आज बारसूल से नारायणपुर से बारसूल से रोड बनेगा। हमारा दंतेवाड़ा में जागुरगुंडा का रोड बन रहा है, जागुरगुंडा, ये रोड बनाना है कि नहीं बनाना है? आदिवासी लोगों को रोड बनेगा तो हमारा गांव का विकास होगा। लाइटें लगा रहे हैं हम लोग आदिवासी लोग, पढ़ेंगे तो। अब ये गुरु जी क्या संचालन कर रहे हैं, क्या नाम है रे, क्या नाम है वो गुरु जी? ये चुकुकर्मा का भतीजा एक गुरुजी है, इसका डॉक्टर सुकमा साहेब जज बना है, जज, ये इसके कार्यकाल में बना है। एक गुरुजी है, उसके पत्नी जज है, कौन बड़ा है, इसका पत्नी बड़ा है कि बड़ा है? सही बात है कि नहीं? कभी जज बने तेरे रमन के राज में कभी जज बना? ये हमारा सरकार जज भी बनाते हैं, तुम्हारा गीतुम का एक लड़की कलेक्टर बना है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री इसको सपनाया है, आदिवासी को अगर कलेक्टर बनाना है, आदिवासी को अगर एसपी बनाना है, आदिवासी को अगर जज बना है, तो ये हिंदी में नहीं होगा। ये गोंडी पढ़ने वाला हिंदी वाला कहां से जज बनेगा, जा कलेक्टर कैसे बनेगा? इसलिए इंग्लिश स्कूल खोलने का काम किया है। ये अच्छा है कि नहीं है? आने वाला पीढ़ी, इस धरती में पैदा हो वाले लोग जज भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, नेता भी बनेंगे। इसलिए इंग्लिश स्कूल खोला है। आज हमारा सुकमा में इंग्लिश स्कूल पढ़ने वाला बच्चे मोहन 7 नंबर प्रदेश में आया है। आज इस बात का खुशी है, ये 15 साल में सरकार रह के आदिवासी लोगों को वोट लेके कभी आदिवासी लिख भवन बनाया? आज पहला बार जगदलपुर में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं, 6,05,00,000 रुपया दिया है। सरु समाज के लिए 4 करोड़ रुपया दिया है। सुकमा में 2 करोड़ रुपया दिया है। कोंडागांव में 2 करोड़ रुपया दिया है। बीजापुर में 1 करोड़ रुपया दिए है। तुम्हारा बैलाडीला में 50,00,000 रुपया दिया है आदिवासी भवन। कैसा रे, क्या बाबू बन रहा है कि नहीं? तुम्हारा दंतेवाड़ा में 5,00,000 रुपए दिए, 5,00,000 सबको, गोंड लोगों को, हाल वालों को, दूर वालों को, मुरिया माड़िया 5 करोड़, उसका पट्टा भी दिए, तुम कमाओ तुम खाओ। ये पहला बार हुआ है,
इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलकर आदिवासी लोगों को भड़काने कहते हैं। कभी कभी डोकरा मत, और कभी कभी अरबी नेता मैं जानते हो कि नहीं जानते हो, केंद्र में मंत्री था, उसका भाई भी मंत्री था राज्य में चीफ नेता, और हमारा चौहान फोटे 20 बार भी दिल्ली में था, ये बाथरूम भी नहीं बनाए। अब अरे आदिवासी लोगों को भड़काने, ये कांग्रेस वाला कुछ नहीं किया। मैं उस दिन दोगा पूछता हूं उनको, हम चमन करता हूं। अरविंद नेतम तो मेरा राजनीति गुरु है, लेकिन अभी डोकरा होने के बाद क्या करेंगे, बुद्धि ऐसी होता है। सही बात है कि नहीं? आदिवासी मंदिर बना रहे, देवगुड़ी बना रहे, पुजारी फेरना को पैसा दे रहे, और नागर जोत देंगे रे, ट्रैक्टर भी दे रहे हैं जोतने के लिए। तुम्हारा दंतेवाड़ा का मऊआ, उस समय भी तो मऊआ गिरता था, कभी नहीं गए, अभी गिर रहे का दंतेवाड़ा का मऊआ। आने वाला साल में या दंतेवाड़ा के लोग बहुत पैसा वाले होंगे, 1 किलो मऊआ 116 रुपये मिस्टर लंदन जा रहा है, लंदन। तुम्हारा डेरेस का कपड़ा जा रहा है बॉम्बे, कभी ऐसा होता रहा क्या? यहाँ का सीताफल, यहाँ का इमली, यहाँ पर संसाधन है, उसका पैसा दिलाने वाला कोई आदमी होगा? एक गुप्त बगल मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर गुप्त बगल का नीति बोलूंगा, कल तक खत्म नहीं होगा। एक तो इस देश में दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जब जब कांग्रेस का सरकार पंचायती राज का कानून हो, जंगल जमीन का पट्टा देने का कानून हो, निराश्रित पंचायत बनाने का कानून हो, कांग्रेस पार्टी बनाया है। आज हमारे सरपंच लोग को डबल तनख्वाह होगा, वार्ड मेंबर को 500 रुपया होगा, जिला पंचायत को 10,000 रुपया होगा। ये 15 साल में जनपद को 1500, अभी मुख्यमंत्री ने 5,000 कर दिया, अगले महीने से मिलेगा 5,000। तुम्हारा यह पार्षद डबल तनख्वाह होगा, गुर्जी लोगों का पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी में बंद किया था उसको पुनर्जीवित किया है। हम लोग यहां पर स्कूल आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे लोगों को मोटा कैसा होगा? अंडा दे रहे, अंडा दे के मोटा हो रहा है। भाभी ओ एक महिला बोली कटकैलान में, मेरा बच्चा अंडा खा के दुम दुमा करना है कि नहीं करना है? तो यही बोलकर अभी हमारे मुख्यमंत्री के बात को सुना है। आने वाला समय में चाहे पंचायत का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, भड़काने वाले लोग बहुत आएंगे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार डीजल का, पेट्रोल का रेट, राड का रेट, तुम्हारा सीमेंट का रेट, सारे रेट बढ़ा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री पैसा देने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री का एक ही विचार है, हमारा आदिवासी गरीब में नहीं हो, उनके जेब में पैसा कैसे जाए, चाहे तेंदुपत्ता का पैसा हो, चाहे दान का पैसा हो। शनिवार को, परसों 21 तारीख को 1,804,400,000, ये पूरा पैसा हम लोग यहां पर आदिवासी का जेब में आया है। तुम लोग के पास आया कि नहीं आया? व्हाट्सएप मोबाइल देखे कि नहीं देखे? ये पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, इसलिए जोरदार और मार दे ताली। अच्छा, यही बोल के अभी हमारे सियान का बात चुनना है, सबको बधाई, धन्यवाद, जय बूढ़ा देव, बूढ़ा पेंता, जोहर, राम राम।